हेलो स्टूडेंट, क्लास 11। आज से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट इसमें पाइथन का फर्स्ट चैप्टर है गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। हम लोग पाइथन कैसे स्टार्ट करेंगे उसमें, ठीक है। तो ये पाइथन का फर्स्ट चैप्टर है, मतलब इंट्रोडक्शन है फर्स्ट चैप्टर। आपको पूरा बताया जाएगा कि पाइथन है क्या, पूरा उसके बारे में बताया जाएगा, पाइथन के बारे में कैसे यूज करेंगे उसको, ठीक है। इससे पहले दो चैप्टर हैं आपके, बेसिक्स हैं, वो भी अभी तक आप 9th में 10th में पढ़ते चले आ रहे हैं, वही इंट्रोडक्शन है उसका। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, रैम रोम ये सब मेमोरीज वगैरह वो सब उसमें दे रखा है, जनरेशन वगैरह दे रखी हैं, उसको बाद में पढ़ाएंगे। आज से पाइथन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, उसको हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। देवटा पाइथन क्या है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय गुइडो वैन रोशन इन फेब 1991, ठीक है। ये गुइडो ने, रोशन ने 1991 फरवरी 1991 में इसको डेवलप किया था, ठीक है। पाइथन वाज कंसीव्ड इन द लेट 1980s एज अ सक्सेसर टू ABC language, ठीक है। मतलब पहले कौन सी लैंग्वेज थी, ABC, इसी को थोड़ा सा बढ़ा के चेंज इवेंट करके क्या डेवलप किया उसने, पाइथन, ठीक है। पाइथन डेवलप किया उसने, पहले इसका नाम क्या था, ABC language। इसमें कुछ इंट्रोड्यूस किया गया, कुछ चेंज इवेंट किए गए, कुछ इंप्लीमेंट किया गया, तो क्या डेवलप किया फिर, पाइथन, ठीक है, नया नाम दिया उसने पाइथन, ठीक है। दिस लैंग्वेज इज एन इजी टू लर्न, बहुत आसान है इसको लर्न करना, पढ़ना, कोडिंग करना, प्रोग्रामिंग करना, ठीक है। देन कंपेयर्ड टू अदर लैंग्वेजेस, इजी टू लर्न येट पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या है ये, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, आगे चल के हम इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जहां तक जब आईटी सेक्टर में आप जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो इसी से पुट अप किया जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से ही पुट अप किया जाता है इंटरव्यू में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एज वेल एज ये हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन कैसी है, हाई लेवल लैंग्वेज है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या, थोड़ा समझ लीजिए इसके बारे में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब पूरा डिपेंडेंट किसके ऊपर होगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा। मतलब जो पहले लैंग्वेजेस होती थी वो किस पर डिपेंड होती थी, फंक्शंस के ऊपर डिपेंड होती थी, ठीक है। उसे बोलते थे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये क्या करता है, पूरा डेटा को कवर करता है। मतलब इसमें सिक्योरिटी पहले से इंक्रीज हुई है, मतलब जो पहले लैंग्वेजेस होती थी उसमें सिक्योरिटी इतनी इम्प्रूव नहीं होती थी, लेकिन इसमें सिक्योरिटी हाई होती है। क्यों, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब पूरा फोकस किसके ऊपर होता है, डेटा के ऊपर, कि डेटा कैसे सेव रखा जाए, ठीक है। और ये कैसी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, जस्ट लाइक जावा C++। जावा C++ भी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, और ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। जावा, ठीक है, और C++, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं, ठीक है बेटा। तो ये इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा हमने बताया इसके बारे में। इससे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं पाइथन से, लेसर कोड है इसके अंदर, मतलब कोडिंग कम है देन कंपेरिजन टू जावा, ठीक है। बहुत सिंपल है जावा से, स्टेप बाय समझेंगे तो आसानी से समझो आ जाएगा आपके, ठीक है। कोई हार्ड नहीं है ये, ठीक है, आसानी से आप समझ सकते हैं, कर सकते हैं उसको और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इससे हम लोग जहां तक सॉफ्टवेयर बनते हैं, गेम्स प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा गेम्स पाइथन से ही बनाए जाते हैं, जितने भी गेम्स बन रहे हैं सब पाइथन से ही बनते हैं, ठीक है। आईटी सेक्टर में बहुत स्कोप है पाइथन का, आईटी सेक्टर में बहुत स्कोप है
पाइथन का, पाइथन लैंग्वेज का, ठीक है। ये जावा तक को टक्कर दे रहा है पाइथन, ठीक है। मार्केट में वैल्यू इसकी बहुत है। तो ये आपका क्या है, कैरियर बिल्डअप है, कैरियर बिल्डर है ये। आगे चल के आप 12th के बाद बीटेक वगैरह करें कंप्यूटर साइंस से, तो आपके लिए बेस्ट चॉइस होगी पाइथन आपकी जॉब के लिए। बहुत अच्छे अच्छे पैकेज मिलते हैं इसमें, ठीक है। इसको पढ़िए। आज ये इंट्रोडक्शन था, नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे से स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। थैंक यू।